हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने आपसे ये कहा था कि आप फार्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज अब आपके पास स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो आपके पास केवल फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूले आपको पता है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो फार्मूला मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेज दूंगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट इज साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट हमारे पास वैल्यू क्या रही है, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस का टैन स्क्वायर पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास इसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या रही है, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस का टैन स्क्वायर पाई बाई फोर। अब देखिए साइन पाई बाई सिक्स की बात करें तो साइन पाई बाई सिक्स का मतलब साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें 1/2 की, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसके बाद में कॉस पाई बाई थ्री की बात करें तो कॉस पाई बाई थ्री का मतलब होता है कॉस 60, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, वही भी 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद में टैन स्क्वायर पाई बाई फोर, तो टैन स्क्वायर पाई बाई फोर मतलब टैन 45 डिग्री, और टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। दैट विल बी 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1। 1/4 इज इक्वल टू 2/4 माइनस का 1, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है, तो आप यहां पर कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस का टैन स्क्वायर पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको प्रूफ करना है यहां से, टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई सिक्स एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास वैल्यू करिए, टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई सिक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कह रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई सिक्स और इंटू में हमारे पास है कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री। तो चलिए इन वैल्यू को हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो साइन स्क्वायर आपके पास पाई बाई सिक्स की बात करें तो ये साइन 30 है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो वैल्यू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉसेक 7 पाई बाई सिक्स, तो देखिए कॉसेक 7 पाई बाई सिक्स स्क्वायर हमारे पास है, इसको आप कह सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स। देखिए पाई में पाई बाई सिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री का मतलब होगा आपके पास कॉस का 60, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये हमारे पास स्क्वायर है तो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड 2/4 इज इक्वल टू 1/2। कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, अगर हम इसकी बात करें कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई सिक्स, तो इसका मतलब ये है, इसको आप कह सकते हैं कॉस का 7 पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और फिर जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का पाई प्लस पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और कॉस कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा हमारे पास यहाँ पर जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमारे पास ये आएगा माइनस का कॉसेक पाई बाई सिक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं जब आप इसको कॉसेक का, अगर आप स्क्वायर को इसका होल स्क्वायर कहें, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेक पाई बाई सिक्स होगा, और स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर
फाइव बाई सिक्स और ये हमारे पास है इंटू में, इंटू में हमारे पास दे रखा है वन बाई फोर। चलिए कॉसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स की बात करते हैं, तो पाई बाई सिक्स का मतलब हो जाएगा कॉसेक थर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक थर्टी की वैल्यू होती है आपके पास टू, चूंकि साइन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन टू, तो कॉसेक थर्टी की वैल्यू टू हो जाएगी, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर इंटू वन बाई फोर। ठीक है, टू के स्क्वायर की बात करें तो वैल्यू हो जाएगी फोर, और फोर से फोर कैंसिल तो वैल्यू आएगी वन, एंड वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है, तो आप कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर सेवन पाई बाय सिक्स, और फिर हमारे पास है इनटू में कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया है, ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स, थर्ड नंबर कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स एंड प्लस कॉसेक फाइव पाई बाय सिक्स एंड प्लस थ्री टैन स्क्वायर, थ्री टैन स्क्वायर पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमें प्रूफ करना है, चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस में हमारे पास है कॉसेक फाइव पाई बाय सिक्स और प्लस में हमारे पास है थ्री टैन स्क्वायर पाई बाय सिक्स। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉट पाई बाय सिक्स, तो कॉट पाई बाय सिक्स का मतलब होगा कॉस थर्टी, तो टैन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री, तो कॉट थर्टी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर। फिर इसके बारे में कॉसेक फाइव पाई बाय सिक्स की बात करते हैं, तो देखिए कॉसेक फाइव पाई बाय सिक्स का मतलब होगा, इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं कॉसेक का पाई माइनस का पाई बाय सिक्स। तो आप देख सकते हैं जब पाई से पाई बाय सिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइव पाई बाय सिक्स होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास नजर आ रही है जब पाई से आप इसको पाई बाय सिक्स को माइनस करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा आपके पास कहाँ पहुँचता है, ये हमारे पास पहुँचता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या होती है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू आएगी कॉसेक का पाई बाय सिक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक पाई बाय सिक्स, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स को जब आप चेंज करेंगे तो ये हमारे पास है कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 साइन 30 होता है आपके पास 1 अपॉन 2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 2 प्लस का 3 टैन स्क्वायर पाई बाय 6, तो टैन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब हो जाएगा टैन 30, और टैन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस का 2 हो गया, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आएगी 1, देन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, सो दैट ये आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कॉट स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस का कॉसेक फाइव पाई बाय सिक्स एंड प्लस का थ्री टैन स्क्वायर पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये हमारे पास की वैल्यू है आप देख सकते हैं। तो यहां से ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर को। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके पास फार्मूले हैं ये हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, तो वो फार्मूले को देख करके ही आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। चलिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। यहां पर कह रहा है देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर फोर भी है, तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास होमवर्क में हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर एंड प्लस का टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर एंड प्लस का टू सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टेन, तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाइएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज साइन 75 डिग्री एंड सेकेंड इज टेन का 15 डिग्री, ठीक है,
and second is tan 15 डिग्री. ये वैल्यू आपको फाइंड अप करनी है. तो चलिए साइन 75 डिग्री को हम पहले फाइंड करेंगे. तो साइन 75 डिग्री, देखिए 75 कैसे होगा, अगर हम बात करें 30 प्लस 45 तो हमारे पास क्या होता है भाई, 75 होता है. तो इसका मतलब ये होगा कि 75 को हम यहाँ पर कह सकते हैं 30 प्लस का 45. और ये देखिए हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है. तो चलिए देखते हैं साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास 30 है और बी की वैल्यू क्या है 45. तो आप इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 कॉस का 45 प्लस का कॉस 30 और इंटू में हो जाएगा साइन का 45 डिग्री. चलिए साइन 30 की वैल्यू की बात करते हैं. तो साइन 30 का मान होता है आपके पास, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की बात करें तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और प्लस का √3/√2. तो वैल्यू आ जाएगी 1+√3/√2. ये आपके पास आंसर हो गया. आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और आगे भी सोल्यूशन कर सकते हैं. तो अगर हम √2 का आपके पास मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1+√3 और यहाँ √2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर जब आप √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा. नेक्स्ट इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √6/4. तो ये हमारे पास इसका आपके पास ये आंसर हो गया. ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को. अब देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, tan 15 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 45 से अगर हम 30 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 15 डिग्री. तो 15 को यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है 45 माइनस 30 करेंगे और तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होगा. चलिए इसको देखते हैं. तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी tan 15 डिग्री. tan 15 डिग्री को हमने यहाँ पे लिख लिया tan का 45 माइनस का 30 डिग्री. तो देखिए tan 45 माइनस 30 डिग्री क्या हमारे पास वैल्यू हो रही है tan a माइनस बी. तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b डिवाइड बाय 1+tan a इंटू tan b. ये हमारे पास फार्मूला होता है. जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा tan का 45 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1+tan 45 इंटू tan 30. ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. अब देखिए tan 45 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1. इसके बाद में यहाँ पर tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री का हमारा मान होता है, वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3. ये हो जाएगा 1+tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3. चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3 और यहाँ पर भी √3/1/√3 आएगा. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3+1/√3. ये देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आएगी √3-1 डिवाइड बाई √3+1. इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है √3-1, ये √3+1 है और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया तो √3-1 डिवाइड बाई √3-1. तो ये आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू बन रही है √3-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3-1. चलिए तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, देन 4-2√3 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2. अभी हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2-√3. ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि tan 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी 2-√3, ये हमारे पास आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है tan का पाई बाय 4-x ये हमारे पास क्या रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉस का पाई बाय 4 माइनस का एक्स कॉस का पाई बाय 4 माइनस का वाई माइनस का साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड इनटू साइन पाई बाय 4
माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अभी ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू हो रही है। देखिए हमारे पास कॉस का जो एंगल है और यहाँ पे जो साइन का एंगल है, ठीक है ना, ये दोनों आपके पास दोनों एंगल सेम है और ये एंगल सेम है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फार्मूला आपको आपके फार्मूला होता है, यहाँ से क्या फार्मूला होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस का होता है ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस का होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये देखिए कॉस ए साइन बी यहाँ पर है और ये कॉस बी है, इंटू में क्या है साइन बी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस का पाई बाई फोर माइनस का एक्स इंटू कॉस का पाई बाई फोर माइनस का वाई, और माइनस में हमारे पास यहाँ पर है साइन पाई बाई फोर माइनस का एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस का वाई। जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो चलिए इस फार्मूले को अप्लाई करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कॉस का ए प्लस बी, यानी आपके पास क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई फोर माइनस एक्स और बी की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई फोर माइनस का वाई। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप पाई बाई ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस का एक्स प्लस का पाई बाई फोर माइनस का वाई। पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई, पाई बाई टू, एंड माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास वैल्यू होती है, पीछे भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस का 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड आपके पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, टेन का पाई बाई फोर प्लस एक्स डिवाइड बाई टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या रहा है, टेन का पाई बाई फोर प्लस एक्स डिवाइड बाई हमारे पास है टेन का पाई बाई फोर माइनस का एक्स। तो यहाँ पे देखिए टेन ए प्लस बी के फार्मूले से हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ये हमारे पास वैल्यू को याद रखिएगा, ये भी एज ए फार्मूला आपके पास यूज में आता है। टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस का टेन बी अपान वन माइनस, ये हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, और tan पाई बाई फोर वन हो जाएगा तो वैल्यू आएगी वन प्लस टेन एक्स और डिवाइड बाई आएगा वन माइनस का टेन एक्स, क्योंकि tan 45 डिग्री ये भी आपके पास वन हो जाएगा। तो अगर tan पाई बाई फोर प्लस एक्स है तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। इसको एज ए फार्मूला आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखेंगे tan पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसका फार्मूला होता है अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन एक्स। इन वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर में वैल्यू बनेगी वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू होल डिवाइड, ये वैल्यू हो जाएगी वन माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन एक्स। देखिए वन प्लस टेन एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, एंड वन माइनस टेन एक्स को नीचे आपके पास न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो वैल्यू हो जाएगी वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी लग जाएगी ए स्क्वायर, और हमारे पास ये भी हमारे पास बी स्क्वायर है, तो आप इसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दैट विल बी वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स, और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पड़े हुए हैं, उनको आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।